रमजानुल मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है आज इस मुतबरक महीने का आखिरी दिन हो और ये चांद के शवाहिद मिलने पर मुनहसर है। यूँ तो अगर बाज़ारों की बात करें तो पिछले एक दो दिनों से बाज़ारों में काफ़ी रश देखने को मिला है और आज बाज़ारों में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रश और लोगों का हजूम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर चांद नज़र आया तो कल जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर मनाई जाएगी और ये जो प्रोसेस है ये आज शाम रुई तहलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा और ये कमेटी जो है ये चांद की को देखने की कोशिश करेंगे और अगर आज शाम चांद का जो चांद के जो शवाहिद है वो मिले हैं तो कल इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर मनाई जाएगी। अगर आज शाम को चांद नज़र आया तो कल जम्मू कश्मीर में, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि कल जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर मनाई जाएगी और उसके मुताबिक अब जो बाज़ाब्ता तौर पर हिलाल कमेटी की जानिब से ऐलान किया जाएगा, यही वजह है कि आज जो लोग हैं वो बाज़ारों में उनका रश काफ़ी देखने को मिल रहा है और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है। बाज़ारों में काफ़ी गहमा गहमी है, लोग जो है वो बेकरी, मटन, बच्चों के लिए मलबूसात और दीगर अशिया की खरीदारी करते हुए आपको नज़र आएंगे। जैसे कि मैं आप देख सकते हैं अभी बाज़ारों में काफ़ी भीड़ है और लोग ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है और ईद लोग जो है ईद के लिए मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी कर रहे हैं, जबकि बेकरी, मटन या मलबूसात की मैंने बात की उनके स्टोर्स के बाहर जो है लोगों की काफ़ी भीड़ जो है वो जमा हुई है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी रश है और ये जो विजुअल्स है ये हम शुमाली ज़िला बारामूला के सोपोर कस्बे से हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसा ही हाल कश्मीर के हर बाज़ार में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कल अगर आज शाम को चांद जो है उसके शवाहिद मिले तो कल जम्मू कश्मीर में, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर मनाई जाएगी और इसके चलते जो आज जो है बाज़ारों में काफ़ी रश देखने को मिला है और जो लोग हैं वो ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है, जबकि ये रश आज दिन भर जारी रहने के इम्कान है और अगर आज शाम को शवाहिद ना मिले तो कल भी ऐसा ही रश देखने के इम्कान है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी रश है और ये जो विजुअल्स है ये हम शुमाली ज़िला बारामूला के सोपोर कस्बे से हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसा ही हाल कश्मीर के हर बाज़ार में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कल अगर आज शाम को चांद जो है उसके शवाहिद मिले तो कल जम्मू कश्मीर में, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर मनाई जाएगी और इसके चलते जो आज जो है बाज़ारों में काफ़ी रश देखने को मिला है और जो लोग हैं वो ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है, जबकि ये रश आज दिन भर जारी रहने के इम्कान है और अगर आज शाम को शवाहिद ना मिले तो कल भी ऐसा ही रश देखने के इम्कान है।